एक्टिविटीज छोटा मोटा हो जाएंगे yes, उसके बाद मेरा गांव में चला जरूर जरूर रात होने से भी क्या है। एंड वन थिंग गाइस, सर जो है वीडियो में जितना दिखते हैं ना रियल में उससे ज्यादा हैंडसम है, कई गुना ज्यादा। फाइनली दोस्तों हम लोग 8:30 रात को पहुंच चुके हैं कोहिमा शहर। वाह क्या ही खूबसूरत है यार। हम लोग जो है सर के गांव जा रहे हैं दोस्तों और आधे रास्ते पे रुके हैं थोड़ा सा व्यू देखने के लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त हम हैं नागालैंड दिमापुर में एंड वी आर गोइंग फॉर हांगकांग मार्केट। अभी हम लोग जा रहे हैं हांगकांग मार्केट में। ये जो है काफी फेमस मार्केट है, काफी पॉपुलर मार्केट है। यहाँ पे दिमापुर में जो भी आता है हांगकांग मार्केट एक बार जरूर से विजिट करता है, क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग जो है करना भाई हर किसी का ड्रीम होता है यहाँ पे। तो आप अगर शॉपिंग इंथुजियास्ट तो यहाँ पे जरूर से आओ और शॉपिंग करो। और हम लोग जा रहे हैं दो दो हैंडसम भैया लोग के साथ। ये देखिए आगे आगे जा रहे हैं हमारे जॉन अब्राहम जैसे दिखने वाले भैया। तो अभी चलते हैं और हमारा का हैंडसम पम पम चलो। तो बेसिकली वी हैव एंटर इनटू हांगकांग मार्केट गाइस, वेरी बिजी मार्केट। एंड यहाँ पे दोनों तरफ में आपको मार्केट दिखेगा, दुकानें दिखेंगे। एंड क्रिसमस का टाइम है तो पूरा जो है आपको डेकोरेशन का सामान वगैरह मिल जाएगा। एंड यहाँ पे लेदर जैकेट लेना था अपना दोस्त को। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है आप लोग इस मार्केट में जरूर से आ सकते हो। स्पेशली हमारे अरुणाचल प्रदेश से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। तो अभी हम भी देखेंगे यहाँ से कुछ कुछ कपड़े सपड़े अपने हिसाब से। और पम्पम को तो स्पेशली लेदर जैकेट लेना था बोला है। तो अभी देख लेते हैं क्या क्या मिलती है यहाँ पे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे। वाह चारों तरफ में इधर में भी मार्केट है गाइस, इधर में भी मार्केट है। लेट्स गो लेट्स सी। एक्चुअली जो है घर के लिए भी कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे हम लोग, लेकिन वो जब हम लोग कॉर्नविल फेस्टिवल से वापस आने का टाइम में करेंगे। अभी के लिए बस हम खुद के लिए छोटा मोटा बस एक दो चीज़ें लेंगे हम लोग बस, एंड एक्सप्लोर भी करेंगे आप लोग को भी दिखाएंगे। चलो तो ये वाला जो गली है ना दोस्तों, एक्चुअली पूरा यहाँ पे सारे जो है दुकानें एकदम लामा दुकानें हैं। लामा लोग लामा पीपल जो है यहाँ पे दुकानें दे के रखे हैं। एंड यहाँ पे अंदर में आप जितना भी घुसोगे ना बाप रे भाई, अंदर में इतना लंबा चौड़ा गलियाँ हैं मैंने सोचा नहीं था। एंड यहाँ पे भी आप पूरा बहुत बड़ा मार्केट है यार, ऊपर में भी आप जा सकते हो। लेट्स गो इनसाइड चलो ताकि देख लेते हैं। और हमें लेना पड़ेगा पावर बैंक, बाद में जाएंगे हम लोग इलेक्ट्रिक वाला दुकान पे, वहाँ से पावर बैंक लेंगे, क्योंकि मेरा जो पावर बैंक था वो पोम का रिजर्व में रह गया एंड वहाँ से गायब हो गया। तो यहाँ से वाह वही तो काफी सुंदर लग रहा है यार ये वाला। हाँ लेट्स सी। हाँ छोटा है बड़ा वाला है इसका? नहीं नहीं हो जाएगा जस्ट ऐसे। वैसे मेरे पास है व्हाइट वाला, ये लगाया हुआ है मैंने जस्ट ऐसे ही, बस इसको लेदर जैकेट चाहिए था। पूरा अंदर अंदर में दुकानें हैं दोस्तों एंड काफी कंजेस्टेड है, पूरा कपड़े ही कपड़े देख सकते हैं। तो मेरा पम पम दोस्त जो है यहाँ पे लेदर जैकेट देख रहे हैं, तो थोड़ा सा डिजाइनिंग वाला चाहिए था वो ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है हमें। एंड भाई साहब पूरा मार्केट यहाँ पे बिल्कुल बुलबुलैया की तरह है, अगर आप आओगे तो शायद घूम भी हो सकते हो। एंड लेदर जैकेट बढ़िया वाला नहीं है भैया, थोड़ा डिजाइन वाला। क्या हुआ कम हियर कम क्लोज, बैक बैक साइड दिखाओ। मेरा दोस्त शॉपिंग कर रहा है और मैं यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा हूँ गाइस। देखिए तो लेदर जैकेट लगाया है, कैसा लग रहा हूँ पता नहीं, मैं खुद को तो नहीं देख पा रहा हूँ। शीशा भी नहीं है यहाँ पे, शीशा भी रखना है। चलो देखते हैं शीशा मिल ही गया गाइस, लेट्स सी मैचिंग हो रहा है कि नहीं। थोड़ा सा डिजाइनिंग वाला चाहिए था हमें, मोनू दोस्त का जैसा है ना एक, तो वैसा वाला चाहिए था हमें। उसने भी दिमापुर से ही लिया था, बहुत ही खूबसूरत था वो वाला। तो गाइस हम लोगों ने जो है शॉपिंग वगैरह कर लिया। एक्चुअली मैंने तो कुछ लिया नहीं, पोम पोम ने एक लेदर जैकेट लिया और पावर बैंक लिया। तो अभी जो है जा रहे हैं वापस, एंड यहां से जाने के बाद हम लोग जाएंगे सीधा हॉर्नबिल ग्राउंड में, केन्स ब्लॉक सर से भी मिलेंगे। एंड हम लोग कल उसके गाँव में जा रहे हैं, उसके गाँव में रहेंगे हम लोग, मजा ही आ जाएगा वहाँ पे जाके। तो हम लोग जो है आ चुके हैं भैया के घर एंड पूरा गियर अप हो चुके हैं जाने के लिए। आज पूरा तीन तीन हम लोगों ने जैकेट लगाया, अंदर में स्वेटर है उसके ऊपर जैकेट, फिर से उसके ऊपर में राइडिंग जैकेट एंड पेन भी डबल डबल, बिकॉज बहुत ही ठंडा होने वाला है आधे रास्ते पे भैया लोग बोल रहे हैं। हम लोग तो अभी तक गए नहीं बट आज एक्सपीरियंस करेंगे। अभी तो फिलहाल बहुत गर्मी लग रहा है बट जाते जाते हमें बहुत ठंड लगने वाला है। तो अभी चलते हैं, ज्यादा लेट भी हो गए हम लोग, अभी जो है 6 बजने वाले हैं तो 8 बजे से पहले हम लोग को पहुंचना पड़ेगा। लेट्स गो चलो भैया, हम वहां से आने के बाद फिर मिलेंगे हम लोग। गाइस अभी हम जा रहे हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की तरफ यानी कि कोहिमा में, और आधे रास्ते पे पहुंचे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू, यहाँ पे पहाड़ देख सकते हैं और यहाँ पे वेलकम टू हिल्स ऑफ नागालैंड लिखा हुआ, काफी खूबसूरत है। एंड यहाँ पे इतना बड़ा हॉर्नबिल का पोस्टर लगा हुआ है गाइस। तो अभी हम लोग जाएंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल में, मैं आगे आगे पहुंच चुका हूँ वहाँ पे, देखो पम पम फिल्मिंग कर रहा है। एंड यहाँ से हमें इधर जाना पड़ेगा और लगभग 1 घंटा तक राइड करना पड़ेगा, उसके बाद पहुंचेंगे। यहाँ पे बैकपैक सब कुछ है और बहुत ही मजा आ रहा है गाइस आते वक्त। केवल जो है हमें
राइडर्स ही राइडर्स मिल रहे हैं पूरा रास्ते पे, मजा आ रहा है। एक दूसरे को हम लोग हाई हेलो कर रहे हैं एंड गुड लक साइन दिखा रहे हैं, भाई मजा आ रहा है। ये देखो हम लोग का पम पम भी आ रहा है अभी। वाह ये तो बहुत खूबसूरत है यार, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है यार। देख के रुक गया। फाइनली दोस्तों हम लोग 8:30 रात को पहुंच चुके हैं कोहिमा शहर। वाह क्या ही खूबसूरत है यार। ओए पम पम भाई जन्नत है जन्नत, बिल्कुल आइजोल का याद आ गया यार, बिल्कुल आइजोल की तरह है। तो यहाँ से 13-14 किलोमीटर के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल ग्राउंड में। तो चले चलो। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अभी हॉर्नबिल का जो फेस्टिवल है उस वाली गेट पे। तो सब कुछ टिकट विकेट का सिस्टम होता होगा, पम पम गया वहाँ पे टिकट वगैरह लेने के लिए। यहाँ पे बाइक पार्क हो चुका है, बहुत सारे राइडर लोग भी आए हैं एंड दिस इज द गेट गाइस। तो अभी अंदर जाएंगे, देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। पहुँच चुके हैं अभी दोस्तों एंड गेट पे एंट्री होना बाकी है बस। तो हम लोगों ने जो है गेम्स ब्लॉक सर को कॉल किया है, तो उनका वाइफ ने जो है कॉल उठाया एंड वो हमें मिलने के लिए रिसीव करने के लिए आ रही है। तब तक वेट करते हैं हम लोग। भाई मज़ा आ रहा है, अंदर में कॉन्सर्ट वगैरह चल रहा है, वहाँ पे पूरा जोरों शोरों से म्यूजिक बज रहे हैं। तो इधर से आएगी शायद मैम, तो अभी वेट करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जो है पहुंच चुके हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल में एंड हम लोग कैंस ब्लॉक सर से भी मिल लिए, तो बाद में ब्लॉक में दिखाएंगे। अभी फिलहाल यहां पे आते ही हमें ये देखिए गाइस स्पेशल दिया गया है एंड मेरा जो है थोड़ा सा एक हफ्ता के लिए मना था, बट फेस्टिवल में आए हैं तो ऑफर किए तो पीना ही पड़ेगा थोड़ा सा। वैसे भी 3 दिन हो चुके हैं एक्चुअली, हम लोग 3 दिन या एक हफ्ता तक फॉलो करते हैं। तो 3 दिन फॉलो करने से भी काफ़ी इमरजेंसी में आप 3 दिन तक फॉलो कर सकते हो, तो मैंने 3 दिन फॉलो किया। आई थिंक दैट्स विल बी इनफ बिकॉज स्पेशल ओकेजन है तो यहाँ पे आके थोड़ा बहुत पीना बनता है। तो बम्बू में दिया गया है गाइस, चीयर्स बम्बू, चीयर्स। सो लेट्स ट्राई। वाओ ये अल्कोहल है, इतना मीठा है गाइस, बिल्कुल अल्कोहल जैसा फील नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल दब नारियल पानी की तरह लगा मुझे। वाओ सो नाइस, हॉर्नबिल में आने से जरूर ट्राई करना गाइस। नो इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी लगभग 1-2% होगा बस, इतना मीठा इतना स्वीट है गाइस। अभी जिस इंसान से हम लोग मिलने आए हैं आप लोग को भी मिलाते हैं। बहुत सारे लोगों ने स्पेशली नागालैंड के लोगों ने हमसे जो है रिक्वेस्ट किया था कि केन्स ब्लॉक सर से जरूर से मिलेगा एंड मेरा भी ड्रीम था उनसे मिलने का एंड हम लोग इतना लकी है कि सर से मिला एंड कल हम लोग उनके गांव में भी जा रहे हैं। तो अभी सर से भी आप लोग को मिलाते हैं। एंटन ये रहा सर, थैंक यू सो मच रूपम, फाइनली पहुँच ही गया। पहुँच ही गया ठीक है, फिलहाल हम लोग एक्टिविटीज छोटा मोटा हो जाएंगे। यस उसके बाद मेरा गांव में चला जाएंगे। जरूर जरूर, रात होने से भी क्या है। एंड वन थिंग गाइस, सर जो है वीडियो में जितना दिखते हैं ना रियल में उससे ज्यादा हैंडसम है, कई गुना ज्यादा, बहुत हैंडसम है। एंड बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके एंड हम लोग बहुत लकी फील कर रहे हैं जिसको हम लोग वीडियोस में देखते थे एंड फाइनली आज रियल में भी मिल रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपके गाँव में जाने का मौका मिल रहा है हमें, तो बहुत मजा आएगा गाइस। एंड हम लोग जो है सर के गांव में जाके हम लोग स्पाइडर पकड़ेंगे खाएंगे, वही मजा आएगा यार। मैं तो अभी सोच के मेरे मुंह में पानी आ रहा है एंड भाई क्या ही बताऊं, सर का जो वीडियोस देखते हैं जब वो पोर खाते हैं ना जो सुर की आवाज आती है, वाह मैं उसका दीवाना हूँ। मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा, ऐसा कुछ आवाज आता है, वाओ गाइस पूरा जस्ट लाइक है। वाओ भाई तुझे कैसा लग रहा है सर से मिल के? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग भी नहीं रहा की मेरा सामने में वीडियो में देखा था, अभी रियल में मिल गया और आप मेरा मुंह का बाली छीन लिया सर एकदम रियल में, और भी ज्यादा है और भी हैंडसम है सच में। एंड हम लोग का वीडियो कुछ और ही होने वाला है, बहुत ही डेयरिंग होने वाला है। स्पाइडर भी खाएंगे, स्पाइडर खाएंगे, उसके बाद जो होगा दिखा जाएगा। बहुत बहुत कुछ करेंगे गाइस। नागालैंड में आए हैं तो मेरा सबसे जो मेन प्रायोरिटी था वो सर से मिलना एंड सर के साथ कुछ एडवेंचरस ब्लॉग्स, कुछ यूनिक ब्लॉग्स बनाना था जो कि अभी पॉसिबल होगा। एंड मैं आप लोग को बता दूं, बिहाइंड द कैमरा जो रहती है सर का जो मैम है वो तो एकदम क्या ही बताओ, जस्ट लाइक अप्सरा गाइस। सर भी हैंडसम, मैम भी ब्यूटीफुल, क्या ही बताओ, क्या ही जोरी है, रब ने बना दी जोरी गाइस। Just like a wow. तो अभी हम लोग जो है मैं और पम पम यहाँ पे डिनर करेंगे गाइस आज हॉर्नबिल में एंड यहीं पे आज ठहरेंगे। तो कल सुबह हम लोग सर, हम लोग पूरा तीनों मतलब 3 बाइक में हम लोग निकल जाएंगे सर के गांव में। तो अभी फिलहाल हम लोग वेट करते हैं, अभी हम लोग का डिनर आता ही होगा। यहाँ पे हम लोग का डिनर आ चुका है, यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल है, यहाँ पे चटनी है, यहाँ पे सलाद है एंड दिस इज क्या सूप है सर, ये सोयाबीन।
किडनी बीन्स का सूप गाइस एंड दिस इज पोर्क. ओ माय गॉड लेट मी शो यू द पीस. वाओ पोर्क विद अखोन्ये अखोन्ये गाइस. ओ मय टू मय नागामिस अलब अलब हिकी आसु दे. तो गाइस ये देख सकते हैं सर जो है ऐसे पोर्क का पीस खाते हैं. वाओ पोमपोम दे दो, ये दे दो. ये पोमपोम के लिए गाइस एंड दिस इज फॉर मी स्मॉल वन. वाओ जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ गाइस. अभी तो मजा आएगा यार सर का सामने सर का स्टाइल में खाएंगे अभी हम लोग. ओके 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 सर ओके. तो सर लोग थोड़ा सा बिजी है वहाँ पे जाएंगे अभी स्टॉल पे. तो हम लोग जो है अपना डिनर एंजॉय करते हैं ना. तो अभी हम खा रहे हैं दोस्तों, बोतल को साइड पे रखते हैं एंड पोर्क खाते हैं गाइस. ये देखिए आज सर का सामने सर का स्टाइल में बिल्कुल सर की आवाज़ आनी चाहिए. वाओ जस्ट लाइक ए वाओ गाइस. एंड आप लोग को बता दूं यहाँ आने के बाद बहुत सारे फेमस यूट्यूबर के साथ हम लोग मिल रहे हैं. रोविंग नागा एंड अभी और एक और आया था बहुत बड़ा यूट्यूबर. बहुत अच्छा लग रहा है गाइस. आज हम लोग हॉर्मिल में थोड़ा सा एंजॉय करेंगे एंड कल सुबह निकलेंगे हम लोग सर का गाँव में. बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गाइस ये मिक्स वेजिटेबल. Cheers guys. हम लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल से आ चुके हैं दोस्तों. एक्चुअली वहाँ पे जो है बहुत शोर शराबा है, म्यूजिक वगैरह चल रहे हैं और ज़्यादा रात हो चुकी है तो हम लोग उतना एक्सप्लोर नहीं किए. तो कल देखेंगे, कल अगर टाइम मिलता है तो हम लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल को एक्सप्लोर करेंगे. एक्चुअली जो है केन्स ब्लॉक सर से हम लोग मुलाकात हो चुके हैं तो सर बुला रहे हैं उनके गाँव, तो हम उनके गाँव जाएंगे. अभी फिलहाल रूम पर आए हैं, होटल रूम पर हम लोग साथ में केन्स ब्लॉक सर और उनके उनके वाइफ एंड हम दोनों. एंड सर ने हम लोग को इतना बढ़िया रूम दिलाया है. देखो भाई नागालैंड आने के बाद इतना प्यार मिल रहा है, वी कांट एक्सप्रेस आवर हैप्पीनेस. यहाँ पे देखो टीवी सीवी पूरा, टेलीफोन में आप कुछ भी ऑर्डर दे दो. बोला है अभी भाई मस्त है एकदम. इतना महंगे महंगे वाला में रह रहे हैं. यहाँ पे मैं सोऊंगा, यहाँ पे पम्पम सोएगा भाई. मजा आ रहा है. ये रूम का जो डिजाइनिंग है मतलब काफी यूनिक है गाइस. देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे एक बेड, यहाँ पे वॉशरूम एंड इधर में क्योंकि स्पेस बहुत कम है ना यहाँ पे जमीन, तो ऐसे मतलब डिजाइनिंग बहुत बढ़िया सोचा है जिसने भी बनाया, जिस इंजीनियर ने भी सोचा ये. तो अभी जो है यहाँ पे हम लोग सोएंगे, वीडियो एडिटिंग करेंगे एंड उसका कल सुबह हम लोग मुझे ना हॉर्नबिल फेस्टिवल में जाने मन कर रहा है दिन में, एक बार देखने दिन में कि ऐसा होता है नज़ारा. लेकिन देखते हैं अगर सर बोलेंगे कि उनके गाँव जल्दी जाना है तो उनके गाँव ही चले जाएंगे. उसके बाद हम लोग आते वक्त हम लोग फिर से हॉर्नबिल में घुसेंगे क्योंकि हॉर्नबिल जो है 10 तारीख तक रहेगा. आराम से घूम सकते हैं हम लोग हॉर्नबिल में, है ना. हाँ तो अभी सोते हैं. यहाँ पे देखो हम लोग का कितना सारा सामान गाइस, इतने ज़्यादा है. हाँ तो अभी जूते वगैरह खोल लेते हैं. मैंने जैकेट, दो जैकेट ऑलरेडी खोल दिया है. यहाँ पे स्वेटर है, शर्ट है और पैन दो टू है मेरा. तो ये सब खोल खाल के अभी सोना पड़ेगा. तो अभी गुड नाइट भाई, हम ये बस सोते हैं. वहाँ से बाहर का नज़ारा देखिए, वाओ कोहिमा शहर का नज़ारा क्या ही खूबसूरत है. अभी कैमरे में उतना खूबसूरत नहीं दिख रहा है ना दोस्तों, अपने आंखों से देखोगे तो भाई क्रिसमस का टाइम है, पूरा लाइटें वाइटें जल रही, क्या ही मस्त है, बिल्कुल हेवन वाली फीलिंग आ रही है. बहुत ही बढ़िया नींद आया यहाँ पे. और आज हम लोग जाएंगे केन्स ब्लॉक सर के साथ उनके गाँव में. एंड अभी भी सोके होते हैं, पम्पम भी अभी सोके होते हैं, अभी फ्रेशअप वगैरह होंगे. गुड मॉर्निंग ब्रो, कैसा लगा यहाँ पे और सर जो है रियल में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है एंड जो मैम साहब है वो भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है. तो अभी जो है ब्यूटीफुल लोग हैं तो अभी ब्यूटीफुल नजारा भी थोड़ा दिखा देता हूँ. लेट्स ओपन द विंडो. यहाँ से थोड़ा सा व्यू उतना अच्छा से तो नहीं दिखेगा बट आई विल शो यू. ये देखिए गाइस, दिस इज कोहिमा गाइस. रात को बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है क्योंकि क्रिसमस का टाइम पे पूरा लाइटें वाइटें जलती है, बहुत ही मज़ा. बाद में और भी नज़ारा दिखाएंगे आप लोग को हम लोग. अभी पम्पम गया है फ्रेशअप होने के लिए दोस्तों और हमारे लिए ब्रेकफास्ट आ चुका है. यहाँ पे चाय है ना, कॉफ़ी आई थिंक चाय. एंड यहाँ पे ये क्या 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 एक केटे यार, इसे मैं भूल गया,
पोर्च एक तो नहीं है ये, क्या सनसेट एक ना सनराइज एक पता नहीं तो ये बहुत ही टेस्टी होता है, मैं भी ऐसे ही बना के खाता हूँ घर पे। तो अभी हम अपना छोटा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं अभी। गावुजी इज मिसिंग मी गाइस, गावुजी बेटा, गावुजी ओ गावुजी बेटा, इतना बड़ा हो गया तू दो दिन में गावुजी। अभी हम निकल रहे हैं दोस्तों यहाँ होटल से, एंड अभी हम लोग सीधा सर के साथ जो है सर लोग का गांव में जा रहे हैं। आगे आगे में है सर लोग। चलो अभी पूरा पैकिंग वैकिंग तो हो चुका है लेकिन बाइक में बांधना पड़ेगा अभी। यहाँ बाहर में देखो हम लोग का बाइक पूरा फुल हो गया। तो अभी जो है पैकिंग सब कुछ हो चुका है दोस्तों, अभी हम लोग निकलने वाला है सर के गांव में। ये देखिए सर और मैम, द बेस्ट जोड़ी ऑफ नागालैंड। तो अभी जाएंगे, इधर से जाना है ना सर? कितना टाइम लगेगा? दो घंटा। ओके डन, चलो आज तो मजा आएगा राइट सर लोग के साथ, चलो लेट्स गो लेट्स मूव। तो अभी हम जा रहे हैं सर के गांव, एंड आधे रास्ते पे रुके हैं थोड़ा नाश्ता करने के लिए यहाँ पे पूरी सब्जी, लेकिन सर जो है नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे बाद में जेल सारा खाना खाएंगे हम। हाँ ठीक है मुकबैंग करेंगे हम लोग। तो ये जो है हम यहाँ पे हम दोनों ही खा रहे हैं, तो अभी खाते हैं कोहिमा का पूरी गाइस। तो हम लोग जो है सर के गांव जा रहे हैं दोस्तों, और आधे रास्ते पे रुके हैं थोड़ा सा व्यू देखने के लिए गाइस, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू। एंड सर लोग का गांव जो है यहीं कहीं पे उस साइड में है सर बोल रहे हैं, तो हमें इसे घूम के जाना पड़ेगा शायद पहाड़ से। हाँ बहुत मज़ा आ रहा है गाइस यहाँ पे राइड करके, एंड रास्ता छोटा सा है बट बढ़िया है इसमें चलाने के लिए। थोड़ा सा टर्निंग वगैरह है, उतना डेंजर टर्निंग तो नहीं है, धूल बहुत है धूल। हाँ लेकिन धूल बहुत है, फ्री का पाउडर लड़की लगा कर आने से ना मेकअप भी मेकअप की जरूरत नहीं है, फ्री का पाउडर मिलेगा फाउंडेशन। वाओ बहुत सुकून, और उधर में भी रास्ता ऐसा है था वो देखिए। एंड सर ये जुको वैली किधर पड़ता है? मणिपुर साइड में। अच्छा पर भी नहीं गया मैं तो, नहीं गया। अच्छा जी जी उस तरफ से, वहाँ से हॉर्नबिल ग्राउंड से कितना दूर होगा? एक घंटा, एक दो घंटा। अच्छा तब तो जाएंगे वहाँ से आने का। और फाइनली गाइस हम लोग का ड्रीम, हम लोग का सपना पूरा हुआ, हम पहुंच चुके हैं केन सर के घर पे, केन्स ब्लॉक सर के घर पे। ये देखिए गाइस वो पूरा माउंटेन के टॉप में है यार, भाई आई कांट बिलीव भाई खुश, इससे ज्यादा जिंदगी में और कुछ खुशी चाहिए ही नहीं भाई। पूरा पहाड़ के बिल्कुल टॉप में यार, हम लोग ऑफ रोडिंग आए लेकिन फिल्मिंग नहीं किया, और यहाँ पे आते हमारा वेलकम देखो, सो क्यूट यार भाई। सामने होता तो जरूर लेके जाता है, ये ब्लैक वाला लेके जाता मैं, लेकिन बहुत दूर है ना। वाओ कम हियर बेबी, एंड चलिए अभी अंदर चलते हैं। वाह पूरा धूल धूल हो चुका है गाइस, ये देखिए वाह पूरा धूल धूल धूली धूली। ओह माय गॉड हेलो, ये हम लोग का सर का सबसे छोटा हैंडसम, छोटा हैंडसम ना बड़ा हैंडसम, छोटा हैंडसम वो बड़ा हैंडसम बाहर गया। अभी घर के अंदर में आ चुके हैं दोस्तों, बहुत ही मजा आ रहा है। जो चीज आप वीडियो में देखते हो उससे अगर आप रियल में देखते हो ना, वो अलग सा खुशी होती है, अलग सा फील होती है। तो ये वाला पूरा हम लोग देखते थे वीडियोस में, सर जो वहाँ पे खाना वगैरह पकाते हैं पोर्क वगैरह, वाओ मजा आएगा। अभी हम लोग मुकबंग भी करेंगे कल, तो मजा आएगा सर के साथ में। तो आज का जो ब्लॉग है दोस्तों, मैं अभी सर के घर पे आके मैं इसको खत्म करूंगा। एक्चुअली जो है और भी ब्लॉग्स आएंगे, अभी हम लोग कहीं पे घूमने जाएंगे, जो विलेज टूर सर का विलेज टूर वाला वीडियो होगा वो कल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है स्टे ट्यून रहना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी अभी सब्सक्राइब कर दो, इसी महीने के अंदर में मुझे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो मिलते हैं कल गाइस।